वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। तो आज हम लोग हमारा प्यारा मार्वल स्टूडियोज का वेब सीरीज सी हल्क को एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सीरीज के शुरुआत में जेन जो आगे जाके सी हल्क बनेगी, वो ज्यूरी के सामने अपना प्रेजेंटेशन देने का प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी उसकी मदद करती है और जेन का पार्टनर लॉयर डेनिस भी उसकी मदद करता है। जेन जिस कंपनी के खिलाफ केस लड़ रही है उसका नाम GLKH कंपनी है। जेन ज्यूरी मेंबर को समझाने की कोशिश कर रही होती है, जिनके पास जितनी ज्यादा पावर होती है उनके पास उतनी जिम्मेवारी भी होती है। जेन निकी के साथ केस पे जाने से पहले ऑडियंस से बात करती है, जैसे डेडपुल मूवी में ऑडियंस से बात करता है। ये काफी कूल सीन है इस सीरीज का। सीन पास्ट में जाता है जहाँ हम ब्रूस और जेन को देखते हैं। ब्रूस ने एक डिवाइस बनाई है जिससे ब्रूस के कैरेक्टर में रह सकता है। दोनों के बीच पास्ट के बारे में बात चल रही होती है कि तभी कार के सामने एक एयरशिप आ जाता है जो कि थॉर का होता है। इससे कार का बैलेंस बिगड़कर एक्सीडेंट हो जाता है। जेन ब्रूस को जैसे तैसे करके कार से बाहर निकालती है। ब्रूस जेन को खुद से दूर रहने को बोलता है क्योंकि ब्रूस का खून निकल रहा होता है। जब तक जेन ब्रूस से दूर होती, ब्रूस का खून उसके शरीर में चला जाता है, जिससे जेन सी हल्क में बदल कर घबरा कर वहां से भाग जाती है। रात होने पर जेन को जंगल में होश आता है। जंगल से निकल कर वह एक क्लब में जाती है और कुछ लोगों से फोन मांगकर बैनर को कॉल करती है और उसके आने का इंतजार करती है। तभी कुछ लफंगे उसे छेड़ने लगते हैं। जेन को उन सब पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो सी हल्क बनके उनका ठुकाई करने ही वाली होती है कि स्मार्ट हल्क वहां से उसे ले जाता है। जब जेन की आंख खुलती है तो वो एक कमरे में होती है। जब वो कमरे से बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि वो एक आइलैंड पे है। फिर वो म्यूजिक को फॉलो करती हुई एक बेसमेंट में आती है जहां बैनर उसे काम करता हुआ मिलता है। बैनर उसे बताता है कि तुम्हारे भी शरीर में गामा रेडिएशन घुस चुका है, तो जेन को लगता है कि वो इससे मर जाएगी। बैनर उसे बताता है कि अब तुम पहले जैसी जिंदगी नहीं जी सकती क्योंकि अब तुम सुपर हीरो हो। बैनर जेन को एक एक्सपेरिमेंट चैम्बर में डालकर ये जानने की कोशिश करता है कि जेन कब सी हल्क में बदलेगी। बैनर उस चैम्बर का कटर ऑन कर देता है। जेन डर कर सी हल्क में बदल जाती है और कटर को अपने दोनों हाथों से रोक देती है और चैम्बर का गेट उखाड़ कर बैनर पर फेंक देती है, जिससे बैनर का करोड़ों का नुकसान होता है। बैनर ये सब देखकर बहुत शौक होता है क्योंकि सी हल्क और जेन एक ही कंट्रोल में होते हैं, पर बैनर और हल्क दोनों अलग अलग होते हैं। इससे ब्रूस को बहुत जलन होती है। बैनर उसे समझाता है कि अगर तुम इस रूप में दुनिया के सामने गई तो लोग तुम्हें मॉन्स्टर समझेंगे, इसलिए तुम्हें अपने माइंड पर कंट्रोल करना होगा। इससे जेन को समझ आता है और वो ब्रूस के साथ प्रैक्टिस शुरू कर देती है और सबसे पहले वो लोग योगा के सहारे दिमाग को कंट्रोल करना सीखते हैं। अगले दिन बैनर हॉर्न बजाकर जेन को उठाता है, जिससे घबराकर वो सी हल्क में बदल जाती है और बेड को भी तोड़ देती है। दोनों साथ में योगा करते हैं। उसके बाद बैनर जेन को स्पेंडेक्स वाले कपड़े पहनने को देता है क्योंकि जेन को दो कपड़ों की जरूरत होगी। उसके बाद दोनों एक हाथ से पत्थर फेंकने की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें सी हल्क सबसे ज्यादा दूर पत्थर को फेंक देती है, तो बैनर बुरा मान जाता है और बड़ा सा पत्थर उठाकर दूर फेंक देता है। दोनों लंबे लंबे छलांगे मारते हैं, जिससे सी हल्क को खुद पर कंट्रोल करना आ गया था, लेकिन अभी भी बैनर उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है, जिससे जेन निराश हो जाती है। तो बैनर उसे हल्क होने का फायदा बताता है। वो कितने भी शराब पी ले वो नशे में नहीं आते। फिर दोनों भयंकर डकार की आवाज निकालते हैं, जिससे सुनकर आसपास के पंछी भी वहां से भाग जाते हैं। वह जेन को भयंकर वाला हैंगओवर होता है। जूस पीने के बाद बैनर जेन को योगा करवा रहा था, पर जेन अपने लाइफ में वापस जाना चाहती थी क्योंकि अटॉर्नी बनने में उसने बहुत मेहनत की थी। इसके बाद जेन जीप में अपना सामान रखकर वहां से निकल रही होती है, तो बैनर उसे समझाता है कि उसकी भी जिम्मेवारी है कि वो अपनी पावर से लोगों की भलाई करे। पर जेन अपनी वकालत से लोगों की मदद करना चाहती है। जाने से पहले जेन बैनर को बहुत कुछ सुना देती है, पर हल्क गाड़ी के सामने आ जाता है तो जेन उसे गाड़ी से मारकर दूर फेंक देती है। बैनर जाकर चट्टानों से टकरा जाता है, पर वो फिर से खड़ा होकर उसे समझाने लगता है। जेन सी हल्क में बदल कर उसे एक पंच मारती है। हल्क उसे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता है और अपनी थंडर क्लैप को यूज करके उसे दूर फेंक देता है। सी हल्क भी क्लैप बजा कर तेज साउंड निकालती है, जिससे बैनर की भी हालत टाइट हो जाती है। दोनों लड़ते लड़ते बार के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे पूरा बार टूट कर तहस नहस हो जाता है। अब दोनों भाई बहन लड़ाई को खत्म कर
अखबार को ठीक करने में लग जाते हैं। बैनर उसे आम जिंदगी में जाने की परमिशन दे देता है। जेन को भेजने से पहले बैनर उसे कहता है कि कोई भी मुसीबत हो तो उसे कॉल करे। दोनों एक दूसरे को अलविदा कह के अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो ये है जेन को सी हल्क में बदलने की कहानी। ये सारी स्टोरी प्रेजेंट में जेन हमें बता रही होती है। उसके बाद जेन अभी तक सी हल्क नहीं बनी थी। जेन के परिवार वालों को पता होता है कि जेन सी हल्क बन सकती है। उसके बाद जेन कोर्ट रूम में अपना केस लड़ने जाती है। जेन ज्यूरी के सामने अपनी दलील सुनाने ही वाली होती है कि तभी एक टिकटॉकर छपरी टाइप लड़की कोर्ट रूम में हमला कर देती है। निकी जेन को सी हल्क में बदलकर लोगों की मदद करने को बोलती है। तो जेन अपनी सैंडल उतारकर सी हल्क में बदलती है और ज्यूरी की जान बचाने के बाद छपरी लड़की को एक पंच में नॉकआउट कर देती है। फिर सी हल्क से जेन में बदलती है और कोर्ट रूम में बैठे सभी लोग जेन के लिए ताली बजाते हैं। उसके बाद वो अपनी आखिरी दलील देने के लिए तैयार होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगला एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाला है, तो उसे देखना मत भूलना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।